दोस्तों, क्या आप टू व्हीलर से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करना चाहते हैं? क्या स्नोफॉल देखने के लिए पावली, चोपटा, चकराता जाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा हरिद्वार पहुंचने के बाद आप टू व्हीलर कहां से हायर करेंगे, उसका रेंट कितना होगा और सबसे जरूरी बात, सर्विस और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हरिद्वार बाय ट्रेन पहुंचते हो तो 2 नंबर एफबी गेट का ठीक सामने वाली गली में आपको आना है और यहां आपको मिलेगा हरिद्वार बाइक एंड स्कूटी रेंटल एजेंसी। गूगल मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप उसे चेक कर सकते हो। तो चलिए एजेंसी का ओनर से कुछ बात करते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग हरिद्वार से हैं। हम यहां पर बाइक एंड स्कूटी रेंटल सर्विस देते हैं। हमारे पास में आपको स्कूटी, बाइक्स, बुलेट्स, मेटियोर, हिमालयन, ये वाली बाइकें जो हैं रेंट पर मिल जाएंगी, जिनसे आप कंफर्टेबली अपने टूर को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि केदारनाथ ट्रिप चलता है, बद्रीनाथ ट्रिप चलता है या चारों धाम का ट्रिप चलता है। अभी जैसे हमारा सीजन चल रहा है इस समय ओली चोपता का, ओली चोपता भी आप लोग हमसे हायर बाइक करके जा सकते हैं। हम लोग बिल्कुल यहाँ पर हरिद्वार में प्राइम लोकेशन पर अवेलेबल हैं, जस्ट रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के सामने ही। बस स्टैंड भी हमारे बिल्कुल दीवार से क्रॉस ही है, 15 से 20 मीटर ही कहेंगे इसको बस स्टैंड से, और रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल हमारे ऑफिस के सामने है। वेल मेंटेन्ड बाइक्स जो हैं हमारे पास में आपको मिलेंगे आपका टूर कंप्लीट कराने के लिए। बाकी अदर सर्विसेज भी हैं हमारे पास में, कुछ गाइड अगर आपको चाहिए, कुछ भी अगर चाहिए, वो सब आप हमारे यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं बाइक और स्कूटी लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना होगा। नंबर 1, आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखना होगा। नंबर 2, आपका फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड चाहिए। और आपको भी एजेंसी के तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा जो आपको रिटर्न करना होगा बाइक जमा करने के टाइम, जैसे कि बाइक का आरसी बुक, बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस और टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास में एक्टिवा मिलेगी आपको, ब्रांड न्यू गाड़ियां हैं हमारे पास में सारी, ज्यादा ओल्ड गाड़ी हमारे पास में नहीं मिलेगी आपको। ये एक्टिवा है 100 cc, इसके बाद में आपको सुजुकी एक्सेस मिलेगा, ये सुजुकी एक्सेस है 125 cc, और आप ये देख सकते हैं और भी हमारे पास में खड़ी है। जैसे कोई बड़ा ग्रुप आता है, बड़े ग्रुप के लिए अगर एक से ज्यादा गाड़ी किसी को चाहिए, जैसे कि ग्रुप्स आते हैं, कहते हैं क्या नाम कि 2 गाड़ी चाहिए या 4 गाड़ी चाहिए या 10 गाड़ी चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। अगर प्री बुकिंग है तो टाइम श्योर है कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मैं आपको अपने यार्ड में लेके चलता हूँ और गाड़ियाँ दिखाता हूँ हमारे पास कौन कौन सी और गाड़ियाँ हैं। एवेंजर गाड़ी मिलेगी आपको, ये एवेंजर 165 एवेंजर की सारी रेंज मिलेगी। ये भी एवेंजर जो भी आप देख रहे हैं ये भी 2 महीने ही पुरानी गाड़ी है। एवेंजर स्पोर्ट्स बाइक में जाएंगे, अभी मेरे पास में यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक में खड़ी नहीं है, बुकिंग पे गई हुई है गाड़ी। अपाचे भी मिलेगी आपको। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास में 350 cc क्लासिक रॉयल इनफील्ड, ये भी हमारी अभी 2 महीने ही पुरानी गाड़ी है, यूबोन मॉडल इसको बोलते हैं। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो कोई अभी इसको बगैर लगेज कैरियर के देता है, तो जैसे कि अभी आपके पास में ये खड़ी हुई है गाड़ी, और दूसरा एक इसमें लगेज कैरियर के साथ में आता है, वो मैं आपको अभी 1-2 मिनट बाद दिखाता हूँ। इसके बाद में इससे ऊपर में जाएंगे, इससे ऊपर में आपको मिलेगी मेरे पास में मेटियोर, ये भी रॉयल इनफील्ड की मेटियोर गाड़ी है, बहुत अच्छा कंफर्टेबल राइड है इसका। अगर आप इसको 400 से 500 किलोमीटर भी एक दिन में राइड करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है ये और बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। क्लासिक 350 cc, जैसे कि बाइकर्स आते हैं केदारनाथ के टूर पर या लंबे रूट के जो राइड करके जाते हैं, उनको लगेज के लिए कैरियर चाहिए होता है, तो ये लगेज कैरियर इसमें अभी तो फिटेड है गाड़ी में। और ऑन डिमांड कहेंगे तो ऑन डिमांड भी 5 से 7 मिनट के अंदर सब गाड़ियों में लग जाता है। हिमालयंस मिलेगी, अपाचे मिलेंगी, और बुलेट के ही और भी मॉडल्स आ रहे हैं, दो नए मॉडल्स।
ये सब गाड़ियाँ आपको हमारे पास में मिलेंगी। अब अभी सोच रहे हो यहाँ से बाइक लेने में अपना एडवांटेज क्या है? सभी चीज तो और एजेंसी की तरह ही सेम है। जी नहीं, सबसे पहली बात तो है वी आर अप्रूव्ड, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से अप्रूव्ड हैं। आपको हमारे में जो भी व्हीकल मिलेगा कमर्शियल व्हीकल ही मिलेगा, येलो नंबर प्लेट मिलेगा। नंबर दो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है वो आपको बहुत ही कम देना होगा दूसरे एजेंसी का कंपैरिजन में। नंबर थ्री, दूसरे एजेंसी के पास आपको ब्रांड न्यू मॉडल की बाइक या स्कूटी का रेंट इस एजेंसी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा देना होगा। नंबर फोर, अगर रास्ते में कहीं गाड़ी का कोई प्रॉब्लम हो और आपको कुछ रिपेयरिंग करना पड़े तो आपको रिपेयरिंग का चार्ज रिफंड किया जाएगा, पर रिपेयरिंग से पहले एक बार एजेंसी के साथ जरूर बात कर लीजिएगा। सब कुछ जान लेने के बाद मैंने यहाँ से एक स्कूटी रेंट पे लिया था 7 दिनों के लिए। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, स्कूटी बहुत ही बढ़िया था और एकदम नई था। लगभग 700 किलोमीटर का सफर के दौरान कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आपको मेरे रिव्यू पे डाउट है तो आप गूगल रिव्यू पे चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। और एजेंसी के पास रिटर्न आने वाले लोगों का कमेंट भी एक बार आप देख लो। मैं सोभी पटना से आया हूँ, मैं ऋषिकेश और हरिद्वार घूमने आया। मैंने यहाँ से स्कूटी लिया रेंट पे, मुझे 500 रुपए में स्कूटी मिला और स्कूटी भी बहुत वेल मेंटेन, बढ़िया, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ और बहुत बढ़िया ट्रैवलिंग करके मैं आया। मैं बहुत मतलब खुश हूँ। उम्मीद है आपका नेक्स्ट उत्तराखंड बाइक राइडिंग का सफर हरिद्वार बाइक एंड स्कूटी रेंटल एजेंसी के साथ ही शुरू होगा, क्योंकि जैसे कि दादा का चैनल है ट्रेवल एक्स, अगर आप ट्रेवल एक्स के थ्रू हमारे पास में बुक कराएंगे, आएंगे उनके रेफरेंस से आएंगे, तो हम आपको और भी जो भी डिस्काउंट होंगे वो आप देंगे आपको डिस्काउंट। दोस्तों, अगर आपको राइडिंग और रेंट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा, और आपको अगर कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हो। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे कुछ नए वीडियो आपके सामने दिखाने के लिए। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।